सब आजल खा गई। हे गाइस वेलकम टू तरुण चैनल। तरुण तेरा ब्लॉग। हाँ वही तेरा ब्लॉग। तो सुबह सुबह अभी देने आया था दूध मैं डेयरी पे, तो यहाँ सूरज मिल गया मुंबई से है। आना आना। तो यहाँ पे मेरे जो चाचा है वो डेयरी फार्म खोल के रखे हैं। यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं सब मतलब कि दूध दूध लेके आते हैं तो उनको देते हैं मतलब लीटर के हिसाब से पैसा वैसा सब कुछ। हाँ हाँ वही। तो गाइस ये मेरा घर है, ये वाला। यहाँ पे सब कस्टमर लोग हैं। और आज क्या है, आज स्पेशल, आज रक्षाबंधन है। तो यहाँ पे कस्टमर लोग हैं। भाई तेरा नाम क्या है? यहाँ पे क्या करने आए? अरे इसमें बोल दूध देने आए। दूध देने आए ना? हाँ। तो ये दूध देने आए, कितने लीटर देती है? तीन। तीन लीटर हाँ रहते हो? चालीस। क्या करने आए दूध देने? भैंस कितना दूध देती है? दस लीटर। दस? अरे यार बहुत ज़्यादा दूध दे रही है तेरी भैंस तो। गुलशन कुमार इज कमिंग, बाइक लेके जा रहे हीरो बनने। वो मतलब एनी टाइम कुछ ना कुछ गाना गाता रहता है, उसका गाना सुनिए जरा। तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? तो गाइस ये बहुत सारा वीडियो डालता है कि ये देखिए डेली ब्लॉग्स न्यू ब्लॉग डालता रहता है। बट मैं अभी बॉम्बे से आया रिसेंटली, वन वीक हो गया आके। तो मैं बोला चल भाई आज तेरे साथ में वीडियो बनाते है कि नहीं। कभी जाएंगे मुंबई घूमने के लिए। मैं जाऊँगा 20-25 को चला जाऊँगा मैं शायद। अगला देखो सुबह सुबह छत पे घूम रहा है। ओए क्या करने आया? ओहो हट जा, कोरोना हो गया। कोरोना हट जा, हट जा, हट 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 दूर हट दूर दूरट 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 दूरट। हाँ चल दिखा फूल। हाँ दिखा कहाँ फूल है। ये सूरज ने लगाया, इसमें आज एक भी फूल नहीं निकलेगा। और इसमें देखो, इसमें जो है सात फूल है। क्या है फूल? हाँ इसमें भी छह फूल है। इस वाले में दो, ये दोनों मस्त लगते हैं ये वाले। इसमें भी नहीं निकला अभी, इसमें भी नहीं निकला है। चल नीचे देखेगा, चढ़ जा। चढ़ जा, हाँ चढ़ जा, चल नीचे, चल ओए चल नीचे, चल नीचे। मज़ा आ रहा है। पौधा किधर से आया? ऐसे ऐसे इधर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। छप्पर पे हैं। तो अभी जो है दीदी का फ़ोन आया, आ गई मिझोड़ा, तो लेना जाना पड़ेगा वहाँ पे। बड़ी दीदी तो आएंगी नहीं, तो अभी इसलिए नहाया भी नहीं मैं। मैं सो आएंगे तब नहाऊँगा। तो अभी राखी वाखी बंधी नहीं है, तो पहले जाके लेके आते हैं। गए फिर से घर दीदी को लेके, फिर आंसू दीदी वहीं बीच में उतर गई आ रही। तो अब चल रहे हैं फटाफट नहा के, फिर तैयार होते हैं। तो अभी सब नहा धो के तैयार हो गए रेडी, और चल रहे हैं रक्षाबंधन बांधने। सब नया नया कपड़ा पहन के तैयार। आचल तैयार है, आंसू बेबता और दीदी। और ये देखो मिठाई उठाई रक्षाबंधन सब आ गया है। आदित्य तैयार हो गया, राखी बांधने जा रहे हैं इसको अब। अरे राखी बनवा ओकर बगल में तब रोई ना। अरे नहीं जो रात में बैठ वो बगल ये ना, ये है ना, ये ना कोई है ना, ये है हमारा भी बांध बजा दे हाथ पकड़ के ऐसे हाथ किया। हे चाचा बाबा रखा है ना। हां रोते रोते राखी बनवा रहा है यार। ना है बस बस हो देखा। हट आगे सर। हाँ मिठाई मिठाई कौन खाएगा? सबसे पहले आंसू और सूरज को राखी बांधेगी आंचल।
भैया रसगुल्ला पे हाथ का बना छेड़ होगा छोड़ छेड़ा ना फिर रोए लग बैठा रहा खो देगा मामा का लक्की गणेश जी का पूजा सब दिन करते हैं उनका राखी कहाँ बात है जो फोटो की पूजा करते हैं जंगलों में छुआ दे चलो मिठाई खाओ मिठाई खाओ अरे बस वही वही गिरा दे बस बस चलो मेरी बारी आ गई है सब तो अभी कपड़ा बड़ा चेंज कर लिए हम लोग और इधर तो जरूर जा रहा अपने नानी घर ये देखो 1.5 किलो मिठाई आई थी एक दिन में ख़त्म हो गई सब आजल खा गई इसमें 1 किलो खाने वाली यही है इतनी बड़ी भुक्खड़ है अच्छा तो आपने एक चीज़ नहीं देखी होगी कि जो है बड़ी दीदी नहीं आई थी क्योंकि जीजा जब एक्सपायर हुए थे राखी का
वो दिन था तो इसलिए जो है वो दीदी उदी नहीं आई बांधने, बबीता भी इसलिए नहीं बांधी जिसे छोटी दीदी आई थी, इसके बदले जो है आंचल ने बांध दिया था राखी। आपने देखा कैसे हम लोग मनाते हैं राखी, बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे यहाँ का वो होता है कल्चर वैसे ही मनाते हैं छोटी मोटी राखी। तो पिछली राखी आपने देखी हुई जो है हम लोग दिल्ली में मनाए थे दीपा मधु के साथ, संदीप के साथ। तो इस बार तो घर पे हूँ तो घर वालों के साथ मनाया। आज के दिन जो है पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है, लोग इस इधर से उधर जाते हैं एक गांव छोड़ के दूसरे गांव, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मार्केट गया था जब उधर दीदी को लेने तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो शाम को भी 5 बज चुके हैं तो अभी भी जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है, छत गीला है तो बादल अभी भी है। तो अभी रात के 9 बज चुके हैं और सब खाना वाना खा चुके हैं। इधर बबीता पड़ रही है और दीदी सब टीवी देख रहे हैं, मैं बैठा हूँ आप आराम से। मम्मी तो बाहर मच्छरदानी लगा के सोती हैं, पापा वाला कमरा वो है और भैया तो गए हैं सूरज को लेके उसके नानी घर, आज वहीं रुकेंगे। तो अभी चल रहे हैं वीडियो एडिट करने, उसके बाद अपलोड करके सो जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।